Yeah, sure. Come for the lateral glide. For the sake of lateral glide, आपने simply patient की position check करें, 90 degree पे आप flexion पे ले आएं and then just give lateral glide just like the shoulder. अगर आपको feel हो patient ज़्यादा bulky है, you can aid a slight adduction. Simple is it. Towel मैंने basically इसीलिए मंगवाया. We all know that यहाँ पे sensitive structures हैं. Plus में belt pinch कर सकता है इस skin को. Structures के अलावा we have an inguinal ligament and it can be the pain. So you need to avoid it. आपने इसको avoid करना है. आप simply 90 degree flexion पे ले आएं. Slight adduction ये normal है. इसलिए शायद इसको इतना pain ना हो. लेकिन patient जो hip ranges limited के साथ आएगा, arthritis changes के साथ आएगा, he will get the pain. And then you just have to give him the glide. If you will, जैसे ही आप उसको lateral glide दोगे, इसी lateral glide के साथ you can aid other movement. अब सवाल ये है, अगेन आई विल लेट यू नो कि मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये किन कंडीशन में कराओगे, मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि इफेक्टिव कहाँ देन यू विल लेट यू नो कि यार ये कहाँ कहाँ पे कराया जा सकता है. मिसाल मेनली जो लेटरल ग्लाइड के साथ हम रोटेशन एड करते हैं वहां पे जहाँ पे हिप की रेंजेस को खोलने की, तो सिंपल इज दैट जब भी आपके पास हिप पेशेंट आए रेंजेस लिमिटेड के साथ और उनके पास कोई रेडियोलोपैथी की हिस्ट्री वगैरह नहीं है, आर्थराइटिस वगैरह सीवियर स्टेज में नहीं है, यू कैन शूट. तो लेटरल रोटेशन के साथ आप लेटरल ग्लाइड के साथ रोटेशन कैसे ऐड करोगे? अगेन यू हैव अ पैसिव एंड एक्टिव बोथ ऑप्शन. व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट गिव हिम अ ग्लाइड एंड डू द मूव, ब्रिंग हिम बैक एंड देन लीव द ग्लाइड. सेम फॉर इंटरनल रोटेशन, गिव हिम ग्लाइड, डू द रोटेशन, ब्रिंग हिम बैक, इट्स ऑल अप. एक्टिवली करना चाहो गिव ग्लाइड, आस्क हिम डू द रोटेशन. एट द लास्ट डिग्री से ऊपर नहीं जा रहा, आप स्लाइटली एड करो ओवर प्रेशर, ब्रिंग हिम बैक एंड देन यू. और ग्लाइड छोड़ना सस्टेन रखने का मकसद मैं कल भी बता चुका. अगर किसी की रेंजेस लिमिटेड है तो उसमें ग्लाइड को सस्टेन करना इसीलिए फीमोरल हेड को बाहर निकालते हो ताकि वो इजीली मूव कर सके, जस्ट लाइक अ फ्रोजन शोल्डर. फ्रोजन शोल्डर में अगर वो पूरा अंदर है आप उसको मूव नहीं कर सकते, इसीलिए उधर ग्लाइडिंग मूवमेंट ज्यादा इफेक्टिव है रादर देन पैनिक. गॉट इट? तो यू हैव अ इंफीरियर ग्लाइड, यू हैव अ लेटरल ग्लाइड, ग्लाइड के साथ मूवमेंट आपके पास इंफीरियर के साथ फ्लेक्शन है, लेटरल ग्लाइड के साथ आपके पास रोटेशन है. कम टू द पोस्टीरियर, पोस्टीरियर ग्लाइड दो पोजीशन में दी जाती है. एक पोजीशन में हम ग्लाइड यूजुअली देते हैं. आप यहां पे टॉवल प्लेस करें ताकि ये आपको ना पिंच करे. आपने फीमर की लाइन में आना है नंबर 1. कम से कम इसको 90, लेट्स सपोज दिस काउच इज मोर ऑन हाई. अगर काउच ज्यादा ऊपर है और आप एक छोटी या आप छोटी हाइट के हो मिसाल के तौर पे, आप इसकी रेंज भी कम कर सकते हैं. लेकिन एक चीज का ख्याल है, जाना आपने फीमर की लाइन में, इस चीज का ख्याल. नाउ जस्ट लुक, अगर मैं ये लाइन बनाता हूं तो मेरा फोर्स डाउनवर्ड नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू द फीमर. इफ आई एम डूइंग इट लाइक दिस एंड स्लाइटली अडैप्टेड आल्सो, एडक्शन कराने का मकसद क्या है? जब आप एडक्शन कराते हो तो फीमर का एक पार्ट अगर अंदर जा रहा है तो दूसरा डेफिनेटली बाहर आएगा एंड इट विल बी मोर इजीियर टू गिव द ग्लाइड. सो व्हाट यू नीड टू डू जस्ट एड अ स्लाइट एडक्शन, कम अपो द पेशेंट. नाउ यूजिंग रादर देन यूजिंग बाय योर हैंड्स, यूज योर बॉडी. व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट फ्लेक्स योर नीज. नीज फ्लेक्स करोगे बॉडी का वेट आएगा, आपने अपनी बॉडी का वेट यूज करना एंड यू हैव टू कम. अब मैं हाथ का फोर्स नहीं लगा रहा, यू कैन डू, लेकिन जैसी बात हिप पे देने के लिए आपको एक अच्छी खासी ताकत चाहिए. यू कैन यूज योर बॉडी एंड देन जस्ट कम डाउन लाइक दिस. अगर आप इस हाइट पे दे रहे हो, लेट्स सपोज यू कैन यूज द पोजीशन लाइक दिस फॉर द अदर पैरेलल. नाउ यू हैव टू गो इन द फीमर डायरेक्शन एंड यू हैव टू गिव द ग्लाइड लाइक दिस. गॉट इट? दिस इज द पोस्टीरियर ग्लाइड. सेम पोजीशन इन प्रोन पोजीशन वुड बी द इंटीरियर. सेम पोजीशन, आपने फीमर को होल्ड करके वो प्रोन में ले लिया. ओके, तो हिप और पेल्विस को प्रैक्टिस करो, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं. सही है, दूसरा प्रैक्टिस.